हेलो एवरीवन, तो बाजार जैसी कुल्फी खाने के लिए रेसिपी को देखते हैं और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्रेडिएंट देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg दूध लिया है जो फुल क्रीम दूध है। इसको हम दूध को बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद हम लगभग 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, अब इसके कॉर्नर्स में जो दूध जो चिपकता है हमारा, उसे हम चलाते हुए उसी दूध में ही मिला देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, जब हम कुल्फ़ी खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मावा भी मिला लिया है मैंने, इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मावा मिलाया है। अब इससे क्या होगा, यही है ट्रिक, क्योंकि इससे हमारी रबड़ी जो हम दूध को घंटों जला करके बनाते हैं, वो हमारे मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए, हो गई ना दूध गाढ़ी बिल्कुल। अब चलिए इसमें चीनी भी मिला लेते हैं। फिर देखिए, 2.5 बड़े चम्मच के जितना मैंने इसमें चीनी मिलाया है। तो आप चाहें तो चीनी आप खुद भी देख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा छोटे से चम्मच में लेके आप चेक कर सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से चॉप्ड बादाम और इलायची डाल लेंगे। इलायची को आप पाउडर करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बन के तैयार है, और रबड़ी जितनी अच्छी बनती है कुल्फ़ी उतनी अच्छी बनती है। तो रबड़ी तो हमारी बहुत अच्छी बन गई। तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडे होने के बाद फिर हम इसको मोल्ड में डालेंगे। अब मोल्ड नहीं है तो क्या करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए हम देखते हैं। अब ये देखिए, लगभग आधे घंटे लगा और ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब ये रही कुल्फ़ी मोल्ड, तो पहले तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। देखिए इसी तरीके से पहले मैं इसमें डालूंगी। अब मोल्ड नहीं है तो भी बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं बताती हूँ आपको। आप कोन बना सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल का, उसमें डाल सकते हैं। ऐसे आप ग्लास, स्टील का ग्लास यूज कर सकते हैं, शीशे का ग्लास यूज कर सकते हैं, जो डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें ढक्कन तो है नहीं, तो हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से टाइटली इसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। क्योंकि एयर जाने से क्या हो जाएगा कि वो कुल्फ़ी के जैसे नहीं जमेगी, वो आइस जम जाएगा, बर्फ जैसा आएगा, और वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसे, और छोटा सा मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में भी ले लिया है, देखिए इसमें भी, इसमें ढक्कन लगा के रख देंगे। और अगर ढक्कन वाला नहीं है तो इसमें भी आप फॉयल लगा सकते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे आप फ्रिज में, डीप फ्रीजर में आप इसको डालिए और फ्रिज को हाई पे रखिए। तो 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब हम अपनी कुल्फ़ी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से जमी हुई है। ऐसे दोनों हाथों के बीच आप रख के उसको रब करिए हल्का सा, आपके हाथों के गर्माहट से ये कुल्फ़ी बहुत ईजिली बाहर निकल के आ जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल कितने आराम से। सबसे पहले मैंने ग्लास वाला ही निकाल के दिखाया है आपको। तो इसी तरीके से बाकी सारी कुल्फ़ी भी हम डिमोल्ड कर लेंगे और उसे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कीजिए, सर्व कीजिए। और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। बाय बाय।